अब पैसों की कमी के चलते देश के होनहार छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से देश के करीब 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा और हायर स्टडीज के लिए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला किसानों की मदद के लिए और एक फैसला मध्यम वर्ग के आने वाले छात्रों की मदद के लिए लिया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूती देने के लिए FSI की एक्टिविटी कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा और कैबिनेट के मुताबिक ये फैसला एग्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है, जिसका भरपूर फायदा किसानों को भी मिलेगा। कैबिनेट के मुताबिक FCI MSP पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा स्टॉक को बनाए रखने और खाद्यान्न वितरण में भी इसकी प्रमुख भूमिका है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में खाद्यान्न की खरीद और उसके स्टोरेज का दायरा काफी बढ़ गया है। इस रकम में FCI की क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही देश के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में भी पढ़ने वाले मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के छात्रों की पढ़ाई में मदद करने के लिए कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 8 लाख से कम की आय में आने वाले परिवारों के बच्चों को टॉप संस्थान में दाखिला लेने पर 10 लाख के लोन तक ब्याज में 3% की राहत मिलेगी। ये 4 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के बच्चों को अब तक मिल रही ब्याज में पूरी छूट के अतिरिक्त है। योजना के तहत बच्चों को कोलेट्रल फ्री और गारंटी फ्री लोन भी बांटा जाएगा। इसके साथ ही साल 2024 से 25 से 2030-31 के बीच 36 करोड़ रुपए आवंटन भी किए जाएंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना देश के उन बेटी बेटियों को आगे बढ़ाने की राह आसान करेगी, जो आर्थिक दिक्कतों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। पीएम विद्यालक्ष्मी पहल का उद्देश्य पिछले दशक में किए गए प्रयासों का विस्तार करके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। ऐसी और खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश न्यूज़।